वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि कोई इंग्रेडिएंट्स मिस ना हो। और आज हम बनाएंगे दो तरह का स्नैक्स, एक चिकन स्टफ चिकन नगेट्स एंड स्टफ चिकन पनीर बॉल्स। पहले बनाएंगे स्टफ चिकन नगेट्स। इसके लिए हम चिकन को कीमा लेंगे, उसमें चॉप्ड कैप्सिकम डालेंगे, चॉप्ड अनियन डालेंगे और सीजनिंग कर लेंगे, ब्लैक पेपर, जीरा पाउडर और सब मसाले से, और ग्रीन चॉप्ड ग्रीन चिली लेंगे। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, और एक अंडा लेंगे उसमें डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे, फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इधर कॉर्न स्टार्च 4 चम्मच लेंगे। उसमें 3 चम्मच मैदे को मिलाएंगे, अच्छा सा एक घोल तैयार कर लेंगे। सब इसमें नमक मिला करके, पानी से मिला करके उसको अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे। बहुत पतला भी घोल नहीं होगा और बहुत गाढ़ा भी घोल नहीं होगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है चम्मच से। अच्छे से तैयार हो गया ये घोल। ये ओट्स है, उसको हमने थोड़ा सा बारीक पीस लिया है, और ये ब्रेड क्रम्स है और कॉर्नफ्लेक्स है, उसको क्रश कर लिया हमने। और सभी तीनों को एक साथ हम मिला लेंगे। इसको भी हम लोग थोड़ा सा सीजनिंग कर लेंगे ब्लैक पेपर और काली लाल मिर्च पाउडर से, और उसमें नमक भी हल्का से मिलाएंगे। और कॉर्नफ्लेक्स भी इसको मिक्स कर लेते हैं, तीनों को सब को एक साथ मिला करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा पनीर के लिए हमने रखना है, आधा चिकन नगेट्स के लिए। ये हमने अंडा बॉईल करके रखा हुआ है स्टफिंग के लिए। हाथ में ऑयल लगा करके अच्छे से चिकन का अंडे को हाफ ऑफ करके 1/4 उसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। अच्छी तरह से उसको रैप कर लेना है अंडे को। उसके बाद जो कॉर्न स्टार्च का हमने घोल बनाया, कॉर्न स्टार्च और मैदे का जो घोल बनाया हमने, उसमें डिप करके इसमें कोटिंग कर लेंगे। जो कॉर्न फ्लेक्स और ओट्स और ब्रेड क्रम्स का जो हमने बनाया है मिक्सचर, उसमें अच्छे से कोटिंग कर लेंगे उसकी। अच्छा से कुरकुरा बाइट आएगा आप मुंह में जब आप खाएंगे, जब फ्राई करने के बाद। इसी तरह से सारे नगेट्स को हम लोग बना लेंगे। देखो सारा नगेट्स तैयार हो चुका है। अब हम लोग पनीर बॉल्स के लिए तैयारी करेंगे। ये पनीर है हमारा, और आलू है, 2 आलू है। पनीर को क्रश कर लेंगे फूड प्रोसेसर में डाल करके। 2 आलू लेंगे उसमें, और 2 ग्रीन चिली भी डाल देंगे उसमें।
ये देखिए इसको मिक्स कर लिए हम लोग। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे चम्मच, इसको भी सीजनिंग कर लेते हैं काली मिर्च से, नमक सॉल्ट के टेस्ट के हिसाब से। बाइंडिंग के लिए कॉर्न स्टार्च डालेंगे 2.5 चम्मच, अच्छी तरह से मिला करके दूध तैयार हो जाएगा। आपकी स्टफिंग तैयार करके रखना है, महीन चॉप्ड एकदम प्याज, और ये मेरे पास छुंदे हैं जिसको बोलते हैं मीठी अचार, और ये काजू भी क्रश किया हुआ है। सबको एक साथ मिला लेना है, हरी मिर्च तीखी खट्टी मीठी सब एक अच्छी तरह से टेस्ट आएगा हमारे मुंह में पनीर के साथ। आप घर में ज़रूर ट्राई करें इसको। इसके छोटे छोटे हम लोग बॉल बना लेंगे। बाहर से नमकीन अंदर से मीठी तीखी बहुत अच्छी इसकी इसका टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा इसका। इसी तरह से हम लोग सारे बॉल बनाएंगे। अच्छी तरह से इसको बनाना है ताकि अंदर का टूटे नहीं। इसी तरह से हम लोग सारे बॉल बना लेंगे। फिर वही कॉर्न स्टार्च और मैदे का घोल में हम लोग डिप करके, आधा हमने रखा हुआ था वो मिक्सचर ओट्स और कॉर्नफ्लेक्स और ब्रेड क्रम्स का, उसके में उसे कोटिंग कर लेंगे। अच्छी तरह से कोटिंग करके रख लेंगे। अच्छी तरह से सारे को कोटिंग कर लेंगे हम लोग। फ्रीज में हम लोग इसको डाल देते हैं, चिकन नगेट्स को भी और पनीर बॉल्स को भी। एक घंटे के बाद इसको हम निकालेंगे फ्राई करने के लिए। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, ये चिकन नगेट्स पहले डाल देते हैं, दो पनीर बॉल भी डालेंगे। पनीर बॉल बहुत डेलिकेट है, इसे इसको हल्के हाथों से पलट पलट करना है, गोल्डन ब्राउन के निकाल लें। खोलने ब्राउन निकाल लेना है, सारे को इसी तरह हम लोग फ्राई कर लेंगे। देखिए ये हमारा स्नैक्स तैयार है, चिकन नगेट्स एंड पनीर बॉल्स। ये हमने सॉस बना के रखा हुआ था, देखिए कितना खूबसूरत और गोल्डन क्रस्ट इसका बना हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, देखने में जितना टेस्टी लग रहा है उतना खाने में भी टेस्टी लगेगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करें घर में। इसके ऊपर का क्रस्ट कितना क्रंची लग रहा है।
ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।